तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से। और मुझे लगता है कि काफी बेसब्री से इंतजार चल रहा था कि आखिर मेजर कल्सी क्लासेस कब आपके लिए वो विशेष मॉडल पेपर्स लेके आ रहा है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, देश के सबसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे तैयार हो जाइए, देश के सबसे ऑथेंटिक मॉडल पेपर के लिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप स्टडीज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप गाइडलाइंस ले रहे हैं, बट मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जाम को श्योर शॉट क्वालिफाई करना है तो जरूर से जरूर इन मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करिएगा जो लगातार आपके एग्जाम के लिए हम रिलीज करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि ऑफलाइन प्रोग्राम में भी हम तेजी के साथ यार ओपन हो गए। 1 जुलाई में देश में सबसे पहले आगाज हमने किया है एक नए जज्बे, एक नए जुनून के साथ, केवल एक उद्देश्य से कि अब कोई भी बच्चा बिना वर्दी के नहीं रहेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मॉडल पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है बच्चा, बिना टाइम वेस्ट के जम के इसको लगी। इसको मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितना भी हमारा जेंटल एयरमैन कैडेट बनने वाला इस देश का बच्चा, जो हमारा एयरफोर्स का एस्पिरेंट है, उसको एक प्रेरणा जानी चाहिए, उससे तक यह पहुंचना चाहिए कि आखिर सटीक और बिल्कुल अप टू द मार्क क्वेश्चन कलेक्शन का मतलब क्या होता है। और वाकई में अगर आपने लगातार इन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर ली, जो कि लगातार आपको 1 डे के अंतराल पे आएंगे, जो टीम पूरी स्टडी करेगी और आपके सामने मॉडल पेपर परोसे जाएंगे, पूरे पूरे मॉडल पेपर रहेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे डेली ये पेपर आपके सामने होगा। बिल्कुल सुबह उठते ही सबसे पहला काम बच्चा यही करना है कि मॉडल पेपर्स के सारे क्वेश्चंस को लगाना है और एक बेहतर नोट्स बनाना है और फाइनली एयरफोर्स वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करके दिखाना है। थैंक यू सो मच और बिल्कुल शुरू करते हैं मॉडल पेपर। थैंक यू, वेलकम टू मेजर कल्सी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों, आज हम लोगों ने एयरफोर्स के लिए, अभी आपको देखा होगा पिछले दिनों मैंने 1 तारीख को एयरफोर्स का एक मॉडल पेपर कराया था, आज मैं दूसरा मॉडल पेपर कराऊंगा। जैसे आपसे मैंने कहा था कि इरफान, जब भी एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो मैं मॉडल सैम्पल पेपर आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है? तो देर न करते कॉपी पेन को निकाल लीजिए। आज भी वैसे ही कुछ मॉडल पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है? देर न करते शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? What is the correct sequence in which of the length of the following increases? निम्नलिखित मात्रकों की लंबाई का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखिए, पेन ले लेते हैं भाई, ये ठीक देखिए, पहला दिया एंगस्ट्रॉम, फिर माइक्रोम, फिर नैनोमीटर, ऐसा दिया हुआ है। इसका बढ़ता हुआ क्रम अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो माइक्रोम होगा, ठीक, बढ़ते हुए क्रम में जाना है, फिर क्या होगा नैनोमीटर, फिर क्या होगा एंगस्ट्रॉम होता है। ये एक सीक्वेंस होता है जो आपको यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो आपका कौन सा आंसर फिलहाल इसके हिसाब से बन जाएगा, तीसरा दूसरा पहला, मतलब पहला दूसरा तीसरा, सी आंसर क्या है इसका, करेक्ट है। तो याद भी किया जाता है बच्चों, देखा भी जाता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ, द वैल्यू ऑफ एन सो दैट द वेक्टर मे बी परपेंडिकुलर टू ये। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। एन का मान बताना है, तो अगर हम इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इनका इनका डॉट प्रोडक्ट तो सेम से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 1 into k कितना n हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। 6 में 12 अगर घटा दिए तो -6 हो जाएगा, प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा चौथा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई द पार्टिकल इज 0, देन वॉट कैन वी से अबाउट डिस्प्लेसमेंट। यदि किसी के कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, तय की गई दूरी शून्य है इसका मतलब वो चला ही नहीं। भाई अगर चला होता, दाएं बाएं आगे पीछे कहीं चला, कुछ तो दूरी बनती। अगर हम बात करते हैं कि चली गई दूरी ही शून्य है तो चला ही नहीं, जब चला ही नहीं तो डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुआ, तो इट मस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। इट मस्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए कि नहीं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। स्पीड को बहुत ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है? चलिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैजेक्टरी, प्रक्षेप गति में वस्तु का त्वरण उच्चतम बिंदु पे। तो एक चीज समझे क्या, प्रक्षेप गति एक तरीके से मुक्त रूप से गति होती है, जो ग्रेविटी हमेशा की ओर क्या लगती है, जी हमेशा की ओर क्या होता है, नीचे की ओर लगता है हमेशा, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी ही तो उसको नीचे की ओर लेके आता है। तो हाइएस्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, उच्चतम त्वरण की बात अगर हम करते हैं, तो क्या होगा, फ्री फॉल मोशन है, इसलिए ग्रेविटी आंसर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, अ जेट इंजन लिखा है ना, अ जेट इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो जेट इंजन जो होता है, देखिए जेट इंजन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, जेट इंजन जब मूव करता है एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगता है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो होता है तो हमारा लीनियर मोमेंटम क्या होता है,
कंजर्व होता है. लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है बच्चों? कंजर्व होता है. ठीक है, चलिए आज कुछ ऐसा पेपर मैं लिया हूँ, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करना है. ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन. बोला क्या है, फोर्स की वैल्यू दी है 6i प्लस 2j और फिर आगे लिखा है 3k. कितना लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसी के ऊपर ओवरलैप करके है, माइनस 3k. और दूसरा डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना लिखा है, 2i माइनस 3j प्लस xk, ये लिखा हुआ है. अब देखिए द वैल्यू ऑफ x फॉर जीरो वर्क, जीरो वर्क अगर देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है. ठीक, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो गया, और ये कितना माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि भागदंड जीरो बोला हूँ. 12 × 6 = 6 आ गया, 6 उधर ले लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई. x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, जो हमारा सी आंसर क्या है, करेक्ट है. ठीक, चलो आप लोग भी अपने कमेंट सेक्शन में इसके नंबर से बोलिएगा. ठीक है, आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे, लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी ये, ठीक, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन बताना. तो v इज इक्वल टू, बच्चों आपने देखा होगा r ओमेगा, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा. तो जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई क्या होती है, रेडियस. v इज इक्वल टू r ओमेगा. कौन सा आंसर सही है, b आंसर क्या है, करेक्ट. चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे, अ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस r है. ठीक, जब रेडियस r है बच्चों तो टाइम पीरियड t है. तो रेडियस जब 4r हो जाएगा तो हमें टाइम पीरियड बताना है. तो केपलर्स का लॉ याद कीजिए, तो t1 अपॉन t2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r अपॉन r1 अपॉन r2 होल क्यूब हो जाएगा कि नहीं. तो r पहले r है, रेडियस स्मॉल r है, कैपिटल r भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं. दूसरा कितना है, 4r है, क्यूब होता है, और यहाँ पे पहले टाइम t है और आपको बताना है t2 की वैल्यू. तो r से r कट गया, 4×4 = 16 64 हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 64, और स्क्वायर इधर से आ गया तो कितना हो जाएगा, 1/8. तो t अपॉन t2 अगर हम देखें तो t2 की अगर इधर बात करें तो जो t2 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8t हो जाएगी. चौथा आंसर क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन पे, इफ लिक्विड ऑफ सेम मास बोला हुआ है. ठीक है, मास सेम है, ठीक, डेंसिटी अलग है. चलो भाई सेम मास है, चलो भाई ये एक लिक्विड लेते हैं, मास इसका कितना है, m है, इसकी डेंसिटी कितनी है, d1 है. ठीक, अब देखो सेम मास है तो हो सकता हो कम ज़्यादा भी हो जाए, वॉल्यूम तो नहीं सेम है ना. मास इसका m, डेंसिटी इसकी कितनी, d2. तो अगर हम बात करते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा. दोनों लिक्विड का मास तो सेम ही है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v1 + v2. अब चलिए मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी. तो अगर हम v1 की बात करेंगे तो m1 d1 हो जाएगा, तो m1 तो हो ही गया नहीं क्योंकि मास तो सेम है, मास क्या है, सेम है. और अगर हम v2 की बात करते हैं तो m अपॉन d2 हो जाएगा. अगर इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप देखेंगे d1 d2 अपॉन कितना हो जाएगा, d1 प्लस नहीं, यहाँ से m और m कितना हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा. तो देखिए 2m, यहाँ पे m अपॉन d1 और ये क्या हो जाएगा, m अपॉन d2. m से m कैंसिल हो गया, तो देखिए 2 टर्म आ रहा है. सी आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व इसको देख लीजिएगा. चलो ठीक, चलिए आगे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे, हाउ डज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज. देखिए विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन होता है, जैसे आप ग्लू को ले लो, ग्लू जिसे चिपकाते हैं, ठीक, वो विस्कस होता है. ठीक है, या शहद ले लो, विस्कस होता है. अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएं, शहद के टेम्परेचर को अगर बढ़ा दें तो उसका जो गाढ़ापन, उसका जो लसलसापन है वो खत्म हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाती, मतलब कम हो जाएगी. तो क्या आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है. 11, व्हाट इज द अनेबल अस टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ चॉक. ठीक, हम ब्लैक बोर्ड पे अगर हम बात करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं चॉक से, किस फोर्स के कारण. तो देखिए दो तरीके का फोर्स होता है, कोहेसिव होता है, एक एडहेसिव. कोहेसिव मतलब एक जैसा संपर्क होना चाहिए, एडहेसिव मतलब अलग अलग संपर्क. तो बोर्ड है और चॉक है, दोनों अलग अलग कॉन्टैक्ट हैं, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों, एडहेसिव फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स लगेगा, सी आंसर इसका क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, 5 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री ड्रॉप. एक आइस लिख लो, कितने ग्राम का, 5 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक,
फिर बोला है उसको 20 ग्राम पानी से मिलाया जाता है, ठीक, कितना है 20 ग्राम पानी है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको क्या करा जाता है, मिलाया जाता है और फाइनल टेम्परेचर पूछा है, कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर 5 ग्राम बर्फ की अगर हम बात करेंगे तो 5 ग्राम बर्फ पहले सबसे पहले 0 डिग्री पानी में बदलेगा, किसमें बदलेगा, 0 डिग्री पानी में बदलेगा। जब दोनों एक ही स्टेज के हो जाएंगे तभी तो आपस में ये मिलेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, तो देखिए सेम टेम्परेचर तो लैटेंट हीट लगेगी, उसके बाद अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक, ये गेन करेगा उधर से वो लूज करेगा, तो इधर से देखिए 40 डिग्री से टी डिग्री होगा तो स्पेसिफिक हीट लगेगी, एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। मास कितना दिया 5, लैटेंट हीट कितनी होती है 80 होती है, मास कितना है 5, पानी की स्पेसिफिक हीट 1 और 0 माइनस टी टी ही होगा, मास इधर का कितना है 20 है, स्पेसिफिक हीट पानी की 1 और ये कितना हो जाएगा 40 माइनस टी हो जाएगा कि नहीं। इसको बच्चों आप सॉल्व करिएगा, कितना 8 पंचे 40, ये 400 कुछ हो जाएगा, 4 दुनिया 8, 800 कुछ हो जाएगा, सारा सॉल्व करोगे तो आपके पास 16 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, लिख लीजिएगा इसको। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, थर्मोकपल, थर्मोकपल इज अ डिवाइस, थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, सिंपल सा आंसर, थर्मोकपल क्या करता है, टेम्परेचर को, एक ऐसा डिवाइस होता है जो टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। चलिए एट 0 केल्विन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस विल बी 0, ठीक, तो देखो जब 0 केल्विन की बात हम कर रहे हैं तो निम्न में से अगर हम बात करें तो 0 केल्विन पर गैस के निम्न गुणों में क्या शून्य हो जाता है, तो गैस मूव करता है, गैस क्या करता है मूव, उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, तो 0 केल्विन पर अगर हम बात करें तो उसके पास क्या शून्य हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का है, तो गैसियस पार्टिकल ऐसा रैंडम मोशन करते हैं उसके पास गतिज ऊर्जा होती है, तो 0 केल्विन पे उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिसिंग है, क्या 0 है, तो कहोगे सर डेल्टा क्यू 0 है, जब डेल्टा क्यू 0 है इसका मतलब क्यू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और जब हीट कॉन्स्टेंट होता है किस प्रोसेस में होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, बोला क्या है, द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक, ये देखिए इक्वेशन आपको दी हुई है, अगर आप देखिए यहाँ पे आपको ये इक्वेशन क्या है दिया है, ठीक, फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, तो देखिए A1 की वैल्यू 3 दी हुई है, A2 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, A1 की वैल्यू 3 दी है और A2 की वैल्यू कितनी दी है 4 दी है, ठीक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड आ गया, 3 का 9 4 चौक 16 कितना आ जाएगा 25 और ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 5 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अ मैटर इज पॉजिटिवली चार्ज देन द मास ऑफ द मैटर विद बी चार्जिंग, तो अगर देखो किसी बॉडी को अगर पॉजिटिवली चार्ज करोगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसका मास क्या हो जाएगा, तो पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा, समझ गए कि नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बच्चों क्या होता है, यूनिट फैराड होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम किससे दिखाते हैं, वी से दिखाते हैं, चार्ज, चार्ज को किससे दिखाते हैं, कूलम से दिखाते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू अगर ये देखेंगे सी, कैपेसिटेंस फैराड और ये वी, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वी इनवर्स, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, चौथा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 4 ओम, ठीक है, नॉइज स्ट्रेस और डबल लेंथ किया है, इसी प्रकार अब इस प्रकार खींचा जाता है कि जिसमें उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है, लंबाई क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिरोध बताना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई होता है कि नहीं होता है, ठीक। फिर बोला है क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, लंबाई को दुगना कर दिया, तो बच्चों एरिया आधा हो जाता है, डिवाइड कर दो, रो से रो कट गया, एल बाई ए से एल बाई ए कट गया, अगर हम बात करते हैं 2 जा 4 हो जाएगा, ये 1/4, और रेजिस्टेंस शुरुआत में कितना दिया है, अगर ध्यान से देखें तो कितना दिया है, 4 ओम दिया है, स्पीड बहुत ध्यान रखना है, 4 जा 16 कितना आंसर हो गया, 16 ओम, देख जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी एग्जाम में करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्रॉ अ पावर पी नॉट एंड वोल्टेज वी नॉट, इफ द वोल्टेज इज वी इट ड्रॉ अ पावर पी, ठीक, देन
तो आप अगर ध्यान से देखिए, तो पहले बोला एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका पावर पी नॉट है और वोल्टेज वी नॉट है. इफ द वोल्टेज इज वी, फिर बोला कि वोल्टेज वी हो जाए और पावर पी, तो बच्चों इस पूरे उसमें रेजिस्टेंस थोड़ी ना बदल रहा है, कोई चीज मटेरियल थोड़ा बदला ही नहीं, रेजिस्टेंस तो बदल ही नहीं रहा है. ठीक, तो अगर हम बात करते हैं पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो पी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई आर हो जाएगा. दोनों में रेजिस्टेंस कॉमन ही होगा, तो अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा, हो जाएगा. और यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर निकालें हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट हो जाएगा. दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो आप कह सकते हो कि वी नॉट स्क्वायर पी नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी. ठीक, तो आपको पी की वैल्यू चाहिए, तो वी आपका इधर आ जाएगा, या तो इसको सबको इधर भेज दो, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन V नॉट होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा P नॉट. है ऑप्शन A, आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. आपका अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, ये किसने बताया था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने बताया था, ओरस्टेड ने बताया था. कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आगे चलते हैं. एडी करंट में भी रिड्यूस्ड, एडी करंट में भी रिड्यूस, किस प्रयोग से भंवर धाराओं को कम किया जाता है. तो जब भी भंवर धाराओं को कम किया जाता है, तो लैमिनेटेड कोर ऑफ स्टील, मतलब स्टील पे लैमिनेशन कोर कर देते हैं, जिसकी वजह से भंवर धाराएं क्या हो जाती, कम हो जाती हैं. सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों, इसको देख के करने में बहुत समय नहीं लगना है. ठीक, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, 3×10⁸. ये सब क्वेश्चन इसलिए दे देता है, बच्चों को बेसिक नॉलेज पूछता है. यहाँ पावर बच्चों 8 ऊपर होगी. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर बच्चों क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि प्लेन मिरर तो ऐसा सीधा होता है, उसका कोई रेडियस नहीं बनता, इनफाइनाइट होता है. ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है, बी आंसर क्या है, करेक्ट है. चलिए अगला 25वां नंबर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस. तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/ फोकस होता है. ठीक है, ऑफ शॉर्ट, देखिए व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस इफ द फार पॉइंट ऑफ द शॉर्ट साइडनेस आई इज 200 सेंटीमीटर. तो इसको हम 2 मीटर भी लिख सकते हैं. फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होगी, तो कितना आंसर हो गया, -0.5. कौन सा आंसर है, ए आंसर क्या है, करेक्ट है. ठीक है, तो बच्चों ये मैंने 25 का 25 क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में करा दिया. मैंने थोड़ा सा स्पीड आज ज़्यादा लिया है, ये आपको दिखाने के लिए कि आपको भी ऐसी ही स्पीड कुछ मेंटेन करनी है, अच्छे कंसेप्ट रखोगे तो स्पीड ऐसी ही होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू. जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल, फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूँ इंग्लिश का एक मॉडल पेपर लेकर. आज वाला मॉडल पेपर है एयरफोर्स के ग्रुप एक्स के लिए, जिसका एग्जाम निकट भविष्य में होने वाला है. देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 1 तारीख से मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है. जो नए बच्चे जुड़े हैं वो 1 तारीख से आज तक के मॉडल पेपर देखने, उनको इस मॉडल पेपर से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. आते हैं सीधा सवालों की तरफ. सवालों में सबसे पहला जो सवाल आपके पास है बच्चों, वो है कॉमन एरर का. आप लोगों को कॉमन एरर के इस सवाल में एरर फाइंड आउट करनी है. देखिए सवाल आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है. सडनली द फायर ब्रोक आउट, अचानक आग फैल गई, एंड ऑल द पेपर्स टर्न्ड इनटू एशेस, और जो सारे कागज थे वो जलकर राख हो गए. जल्दी बताएं कौन से सवाल में, मतलब सवाल के कौन से पार्ट में मिस्टेक है. जल्दी सोचें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें. और देखो बच्चों, गलती है इस वाले पार्ट में. ये जो लिखा हुआ है द पेपर्स, ये द पेपर्स सही नहीं है. पेपर एक्चुअली मटेरियल नाउन होती है, जिसका कॉमन सेंस में हम प्लूरल नंबर बनाते ही नहीं हैं. लिहाजा यहां पर द पीसेस ऑफ पेपर्स होगा, यहां पर द पीसेस ऑफ पेपर्स होगा. पार्ट बी में गलती है, पेपर में से एस हटाया जाएगा, पीसेस ऑफ लगाया जाएगा. आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है. जल्दी से इसमें मिस्टेक बताएं. क्वेश्चन नंबर 2, अ लॉट ऑफ टाइम्स फादर हैज टोल्ड यू, बहुत बार पिताजी ने आपको बताया है, टू नॉट गो आउट आफ्टर 7 PM, अंतिम पार्ट नो एरर, कि शाम 7 बजे के बाद बाहर ना जाएं. कौन से पार्ट में गलती है, तेजी से बताएं. गलती है बच्चों इस पार्ट में, C4 चंडीगढ़ इसका आंसर है. टू नॉट गो आउट की सीक्वेंस गलत है. अ
अ लॉट ऑफ टाइम्स फादर हैज टोल्ड यू नॉट टू गो आउट. अ लॉट ऑफ टाइम्स फादर हैज टोल्ड यू नॉट टू गो आउट, ये लगाया जाएगा. लिहाजा दूसरे क्वेश्चन का सी फोर कैलकाटा आंसर हो गया. आइए तीसरे सवाल पर, और तीसरे सवाल में क्वेश्चन मौजूद है, आंसर आप बताएं. यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको आश्चर्य होगा आफ्टर नोइंग यह जानकर कि जो ताजमहल है वो हकीकत में कुतुब मीनार से ऊंचा है. जल्दी बताएं, गलती है बच्चों, बी फोर बॉम्बे वाले पार्ट में ताज के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब छूटी है, इज यहां लगा दीजिए. दैट द ताज इज इंडीड हायर देन द कुतुब मीनार, हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, बी फोर बॉम्बे पार्ट में गलती है. तो तीन में से तीन कितने बच्चों के सही हुए, चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं. जिन बच्चों के तीनों सवाल सही हुए, नो डाउट बधाई के पात्र हैं. अगले सवालों पर आते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का. जल्दी से सवाल का जवाब दें. ही हैज ऑलवेज अबाइडेड डैश ऑल द रूल्स, उसने हमेशा सारे रूलों को सारे नियमों को माना है. चौथे सवाल का आंसर होगा ए फॉर एप्पल. अबाइड के बाद हमेशा लगाया जाता है बाय, ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें. क्वेश्चन नंबर पांच पर आइए और पांचवें सवाल का आंसर बताइए. द रोड्स ऑफ पटना आर वाइडर देन डैश इवन न्यू दिल्ली. पटना की जो सड़कें हैं वो नई दिल्ली से भी ज्यादा चौड़ी हैं. यह हालांकि हकीकत नहीं है, यह केवल एग्जाम्पल है. बताएं क्या लगेगा. वाइडर देन दोज ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा. हमेशा याद रखें, जब भी कभी कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो नाउन, ये वन और ये दूसरी, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद एक नाउन के पहले सिंगुलर नंबर के लिए दैट ऑफ, प्लूरल नंबर के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाता है. अगर यहां पर रोड्स की जगह रोड होता तो फिर यहां दैट ऑफ सही होता, लेकिन चूंकि रोड्स है इसलिए दोज ऑफ लगेगा. ये हो गए ब्लैंक्स के सवाल. अब हमारे सामने है बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन. तो इंप्रूवमेंट के सवालों पर ध्यान दीजिए और छठा सवाल बताइए. छठा क्वेश्चन ध्यान दें. सुनीता इज द ओनली गर्ल, सुनीता केवल वही लड़की है, हु लव्स मी मोर देन एनी अदर पर्सन, जो मुझे किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा प्रेम करती है. ये क्वेश्चन है, सुनीता इज द ओनली गर्ल हु लव्स मी मोर देन एनी अदर पर्सन. यहां पर हु अंडरलाइन है. अब हु अंडरलाइन है तो उसकी जगह हुम लगेगा, विच लगेगा, दैट लगेगा या नो इंप्रूवमेंट लगेगा. जल्दी से बताएं. अब यहां पर गर्ल जो है वो मनुष्य के लिए लगा है और हु हमेशा मनुष्य के लिए लगता है, लिहाजा इसका जवाब हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट. हालांकि जब ओनली लगा होता है तो दैट भी लगाया जा सकता है. पॉइंट इसकी हु भी गलत नहीं है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट आएगा. क्वेश्चन नंबर सेवन पर ध्यान दें, जल्दी से रेस्पॉन्स करें. लूसी, लीजा एंड जेम्स आर इंटेलिजेंट. तीन लोगों का नाम है, तीनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जो फर्स्ट है लूसी इज बेटर देन द लास्ट. जो फर्स्ट लूसी है वो लीजा और जेम्स से बेटर है. तो यहां क्या लगेगा, फॉर्मर लगेगा, लेट लगेगा, लेटर लगेगा या नो इंप्रूवमेंट. समझने वाली बात है कि अगर हम लूसी का कंपैरिजन केवल जेम्स से करते तो लास्ट सही होता, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि जो पहली लूसी है वो बाकी दोनों से अच्छी है, तो यहां लगेगा लेटर. पहली हो गई लूसी, बाकी के लिए लग गया लेटर. ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन. अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर
8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने ये सवाल है, ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है इम्प्रूवमेंट के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 8 विद ऑप्शंस मौजूद हो गया। बताइए, ही वेंट होम, वो घर चला गया, विद बैग्स एंड बैगेजेस लास्ट नाइट, पिछले नाइट को बैग्स एंड बैगेजेस के साथ वो घर चला गया। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आंसर बताएं। अब आंसर के लिए आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो टर्म है बैग्स एंड बैगेजेस, इसके साथ विद का यूज नहीं किया जाता, तो खाली बैग एंड बैगेजेस लगेगा, उसके साथ विद का यूज नहीं हो पाएगा। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। और 9th जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वॉइस का क्वेश्चन है, आपको सेंटेंस की वॉइस को चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, सारे ऑप्शंस विजिबल आपके लिए हो जाएं। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस बच्चों आपके सामने ये हैं। इस समय आपके चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज फर्निशिंग द मैंशन, मैंशन मतलब होता है बैंगलो, एक बड़े घर को मैंशन कहा जाता है। तो लेडी ऑफ द हाउस वॉज फर्निशिंग द मैंशन। अब बताइए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है द मेंशन हैज बीन, ये जवाब हो सकता है? जी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां वॉज लगा हुआ है, तो पैसिव वॉइस में वॉज बीन होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहां इज बीइंग लग गया। तीसरा ऑप्शन इज लगा है, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन बचा डी, ये सही भी है, वॉज बीइंग लगा है। ये सवाल था एक्टिव पैसिव का। आपके एयरफोर्स के एग्जाम में एक्टिव पैसिव और नरेशन के सवाल जरूर पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं। इन सवालों पर आपको खास फोकस रखना चाहिए। वॉइस का एक और क्वेश्चन आप बताएं, 10वां क्वेश्चन है वॉइस के लिए। माय मदर बेक्स केक्स, मेरी माताजी जो हैं वो केक बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? केक बनाती हैं। बताओ माताजी केक बनाती हैं तो पैसिव क्या बनेगा? भाई जाहिर सी बात है पैसिव इसका जो भी बनेगा केक से शुरू होगा, केक ऑलरेडी प्लूरल है। पहले ऑप्शन में एक एक लिखा है वो तो हो ही नहीं सकता, दूसरे में एक एक लिखा है वो भी नहीं हो सकता, तीसरा माय मदर से ही शुरू है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट तो लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ले देकर क्या बचा? इकलौता विकल्प, केक्स आर बेक्ड बाय माय मदर। बेटा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं हमेशा इन सवालों को फ्री के नंबर कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि जी कम रिवीजन करके, कम मेहनत करके इन सवालों को क्लियर किया जा सकता है, 20 में से 3 नंबर खड़े हो गए आपके। कभी एक्टिव पैसिव के 2 आते हैं, नरेशन का 1 आता है, कभी नरेशन के 2 आते हैं, एक्टिव पैसिव का 1 आता है, मिनिमम 2 नंबर का तो एक एक्टिव पैसिव और एक नरेशन आता ही आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए, और जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये नरेशन का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 नरेशन का सवाल है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट आपको बनाना है, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 नरेशन का सवाल, इस समय चारों ऑप्शन बोर्ड पर हैं, ध्यान दें और जल्दी बताएं। He said to Raina, उसने रायना से कहा, I cannot marry you now, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, but I shall surely do next year, लेकिन मैं इसको अगले साल जरूर कर लूंगा। ये आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए पहला ऑप्शन, He told Raina, यहां तक तो ठीक है, that he cannot लगा दिया। भैया प्रेजेंट को तो पास्ट में बदला जाएगा, तो कैन नॉट वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, ही टोल्ड हर दैट ही कुड नॉट, ये फिर भी हो सकता है, लेकिन यहां हर लगा हुआ है, अब यहां हर नहीं होना चाहिए। तो ही टोल्ड रायना दैट ही कुड नॉट, अभी तक ये ऑप्शन सही लग रहा है। एक बार चौथे ऑप्शन को देख लो, ही टोल्ड रायना दैट ही वुड नॉट, हेल्पिंग वर्ब मिस्टेकन हो गई, मतलब
ग्यारहवें क्वेश्चन का क्या जवाब हो गया बच्चों? C4 कैलकटा। ये हुआ ग्यारहवें क्वेश्चन का जवाब। ठीक बच्चों, आगे चलिए। ये हमारे नरेशन तक सवाल हो गए। अब सिनोनिम का क्वेश्चन आता है बच्चों। किसका क्वेश्चन? सिनोनिम का क्वेश्चन आएगा। सिनोनिम के क्वेश्चन पर फोकस करिए और सिनोनिम के इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने बोर्ड पर मौजूद हैं। शब्द है फोर्स वियर। फोर्स वियर का मतलब छोड़ देना, त्याग देना, खत्म कर देना, किसी के बिना भी काम चला लेना। यहां पर ऑप्शन पहला स्वीयर माने तो कसम खाना होता है, ये ऑप्शन हो सकता है जी, नहीं हो सकता। एब्यूज मतलब गाली देना, ये भी नहीं हो सकता। ओथ, ओथ मतलब कसम खाना, ये हो सकता है जी, नहीं हो सकता। फोर्स एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फोर्स एक का मतलब भी होता है छोड़ देना, लिहाजा फोर्स वियर का मतलब हो गया फोर्स एक। बच्चों अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन है एंटोनिम का। शब्द है आपके पास मिटिगेट, जिसका की मतलब होता है डिक्रीज करना, रोचकता आदि को, इंटरेस्ट आदि को घटा देना। एंटोनिम आपको इसका बताना है तो आपको वो वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो बढ़ाना। अब बढ़ाने के अर्थ में आपको डाउट हो सकता है जी, दो ऑप्शन है। एनलार्ज, इसका भी मतलब होता है साइज बढ़ाना। इंक्रीज, इसका भी मतलब होता है कुछ भी बढ़ाना। तो यहां एनलार्ज एक सटीक ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है केवल साइज बढ़ाना। किसी का चेहरा सूज जाए, हाथ पैर टूटकर कहीं सूज जाए, गुब्बारे में हवा भर के उसे फुला दो, तब एनलार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहां सही विकल्प क्या होगा? इंक्रीज। रिड्यूस घटाना, ये तो इसका सिनोनिम हो गया। मल्टीप्लाई बढ़ा देना, ये भी एक जवाब हो सकता है मल्टीप्लाई, लेकिन सही जवाब यहां पर होगा इंक्रीज। आगे चलते हैं बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सवाल इस समय आपके सामने मौजूद है, शाइन विद अ ब्राइट बट ब्रीफ और इररेगुलर लाइट, चमकना लेकिन मतलब तेज चमक से चमकना, लेकिन ब्रीफ और इररेगुलर लाइट, बड़े कम समय के लिए, जैसे कैमरे की फ्लैश होती है, या इररेगुलर है माने लाइट कभी आती है कभी चली जाती है, इस तरीके से। पहला ऑप्शन क्या है जी? विंपर। विंपर का मतलब सुबकना, मन मन में, दिल दिल में रोना, जब कोई मनुष्य आवाज किए बिना रोए, उसके लिए लगता है विंपर। अगला शब्द फ्लिकर, वही आपका जवाब है, यही सही जवाब है। तीसरा है कोवर, इसी से बनता है शब्द कोवर्ड, दुबक कर बैठ जाना, छिप जाना, चले जाना। अगला शब्द है मटर। मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना। पिताजी ने डांट दिया, अब हमें गुस्सा आ रहा है, पिताजी के सामने कुछ कह तो सकते नहीं, बस मन ही मन में घुनमुना रहे, बुदबुदा रहे, उसके लिए मटर लगता है, इसलिए मटर भी सही जवाब नहीं होगा। तो 14 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल। इडियम्स एंड फ्रेजेस का सवाल है, क्वेश्चन है आपके पास लॉयंस शेयर, शेर का टुकड़ा, मतलब कि किसी भी प्रकार के बंटवारे का बड़ा शेयर, बड़ा टुकड़ा। उस बड़े शेयर के लिए लगेगा मेजर शेयर, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। तो यह हुआ जी लॉयंस शेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है स्पेलिंग एरर का सवाल है। शब्द टेम्परेचर की स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। टेम्परेचर की स्पेलिंग चूज करें कौन सी होती है? टेम्परेचर की स्पेलिंग चूज करें कौन सी होती है? ये क्योंकि स्पेलिंग एरर का सवाल है, इसलिए ये होमवर्क है। इसका जवाब केवल उन बच्चों को सही मिलेगा जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर भेजेंगे, बाकी डिक्शनरी से खोजिए, वरना कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का सवाल मतलब कि ऐसा सवाल जिसमें एक सेंटेंस को दो तीन टुकड़ों में आपको दिया गया है, और ये जो दो तीन टुकड़ों में आपको दिया गया है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी सीक्वेंस परफेक्ट है, कौन सी सीक्वेंस परफेक्ट है। भाई पहला टुकड़ा आपको दिया गया है चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट, दूसरा है विजडम इज इक्वली नीडेड, तीसरा है ओनली बेनिफिशियंट बट ऑल्सो अटेनेबल, और अगला है इन प्राइवेट लाइफ इन द।
तो यहां कहां से आप शुरू करेंगे? पहला है, पहले ऑप्शन से देखते हैं पीएसआरक्यू। अगर हम पीएसआरक्यू देखें तो सेंटेंस क्या बनेगा, चॉइस ऑफ गोल्स दैट आर नॉट इन प्राइवेट लाइफ इन द ओनली बेनिफिटेड, कोई सीक्वेंस ही नहीं बैठी। अगर पीएसआरक्यू को जोड़ेंगे, मतलब पी एस आर अगर इसको जोड़ेंगे तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बैठी। बी फॉर बॉम्बे देखिए, क्यू एस पी आर क्यू से शुरू करिए, विजडम इज इक्वली नीडेड, सही है। एस फॉर शिमला, विजडम इज इक्वली नीडेड इन प्राइवेट लाइफ, ये भी सही है। इन द चॉइस ऑफ गोल्स, निजी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए बुद्धि की जरूरत है, दैट आर नॉट, उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें आर, दैट आर नॉट ओनली बेनिफिशियंट बट ऑल्सो अटेनेबल, कि मतलब उन लक्ष्यों के पीछे हम चलें जो ना केवल बेनिफिशियंट हैं बल्कि अटेनेबल भी हैं। यही आपका सही जवाब है। हालांकि फाइनल डिसीजन लेने से पहले बाकी विकल्पों को भी देख लेना चाहिए। भाई रीअरेंजमेंट का जो सवाल आपका होगा वो ऐसी जगह से स्टार्ट होगा जहां सब्जेक्ट के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब लगाई जा सके, लेकिन अंततः एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, और यहां जो मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा वो केवल इसी से बनेगा। और भी कोई फर्दर डाउट होता है तो आप लोग निसंकोच चैट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं, जहां मैं आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए खुद को अवेलेबल रखूंगा। अब बच्चों आपके सामने अंतिम और बड़ी, सबसे बड़ी चीज आती है जो कि है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये पैसेज है जो आप लोगों को पढ़ना है। इस पैसेज को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आधा पैसेज ये है और आधा पैसेज ये है, ये दोनों जगह आप लोग, मैंने रीडेबल दे दिया है तो दोनों जगह आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए ताकि ये काम कंप्लीट हो सके। पहले पैसेज पूरा पढ़ लीजिए, हाँ, अब आप वीडियो को पॉज यहां पे करके ये टुकड़ा पढ़ सकते हैं, पिछले टुकड़े पे पॉज करके वो पढ़ लीजिए। जब आप इतना पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन अटेंड कीजिए। बाकी अब मैं आप लोगों को पैसेज बता देता हूं। भाई पैसेज में था क्या, पैसेज में ये था कि सारिका नेशनल पार्क इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि जो सारिका नेशनल पार्क है ये एक वन्य जीव प्राणी उद्यान है जो लोकेटेड है 107 किलोमीटर जयपुर से, माने राजस्थान में। ये पार्क पजेस करता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। इस पार्क के अंतर्गत कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, मंदिर हैं, विच डेपिक्ट द लेगेसी ऑफ द महाराजाज ऑफ अलवर, जो अलवर के जो महाराजा धीराज रहे हैं उनकी विरासत को दिखाते हैं। ये पार्क बिगर देन रणथंबोर, रणथंबोर से भी बड़ा पार्क है। रणथंबोर नाम आप लोगों ने सुना होगा, बट हैज अ सिमिलर टोपोग्राफी, मतलब जैसा माहौल, जैसे पेड़ पौधे, जैसा प्राकृतिक चीजें रणथंबोर में है ऐसी ही यहां पर है। दो द सेंचुरी डज नॉट हैव, हालांकि इस वाली सेंचुरी में माने सारिका में वो नहीं है, डज नॉट हैव, क्या नहीं है अगली स्लाइड से पता चलेगा। यहां पर नहीं है टाइगर्स, जैसे रणथंबोर में टाइगर्स हैं, यहां पर टाइगर्स नहीं है। मैनी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स ड्वेल ऑन का मतलब निवास करना, बहुत सारे जंगली जानवर यहां निवास करते हैं ग्राउंड्स ऑफ दिस पार्क, इस पार्क की जमीन पर। अपार्ट फ्रॉम अदर कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, कार्निवोरस माने मांसाहारी, हर्बीवोरस माने शाकाहारी, तो दूसरे शाकाहारियों मांसाहारियों के अलावा यू कैन ऑल्सो ट्रेस रेहोस मंकीज, एक मंकियों की प्रजाति है ये आपको वहां मिल जाएंगे, विच कैन यूजुअली बी सीन प्लेइंग ट्रिक्स अपॉन ईच अदर, जो आमतौर पे झुंडों में मिलेंगे एक दूसरे के साथ खेलते हुए। अराउंड द टैड, टैड वृक्ष, पाम ट्री, ताड़ वृक्ष, टैड नहीं ताड़ वृक्ष है वो, क्योंकि पाम को हिंदी में ताड़ कहते हैं। द पार्क ऑल्सो शेल्टर्स मैनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियाएं यहां आकर रहती हैं, जिसमें हैं बुश क्वेलिस, सेंड ग्राउसेस, ट्री पीज, गोल्डन बैक्ड वुडपीकर्स, क्रेस्टेड सैरपन ईगल्स एंड ग्रेट इंडियन हॉर्न ओवेस, ये सब भाई चिड़ियाओं की प्रजाति हैं, इनको आप एक एक करके देख लीजिएगा।
एनिमल लवर जो हैं, जानवरों के प्रेमी, वुड डेफिनेटली लव दिस प्लेस, निश्चित रूप से इसको प्रेम करेंगे, एज इट विल ऑफर देम सम ऑफ द बेस्ट सीन्स टू रिमेंबर, जिंदगी के यादगार तस्वीरें उनको यहां मिलेंगी, बेस्ट प्लेस स्पॉट करने के लिए वाइल्ड लाइफ को, वो क्या है, वाटर होल्स, वाटर होल्स, पानी के थोड़े थोड़े से छेद, जहां एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थ्रस्ट, जहां जानवर अपनी प्यास बुझाने आते हैं. यू कैन ट्रेस हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स एट द काली घाटी वाटर होल, वहां पर सैकड़ों चिड़ियाएं मिलेंगी और नील गाय मिलेंगी जिनको आप देख सकते हैं सलूपाका वाटर होल पर. अब भैया क्वेश्चन है, सरीका नेशनल पार्क में देयर आर बोथ कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस, सही बात है. नो कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ये तो गलत बात है. ओनली कार्निवोरस, ये भी गलत है, ये भी गलत है. उसने पीछे बताया था ना कि भाई दोनों ही जातियां अवेलेबल हैं, हर्बीवोरस भी हैं, कार्निवोरस भी हैं. अब एनिमल्स कम टू सेटिस्फाई देयर थर्स्ट, वो जो एनिमल हैं वो अपनी प्यास को बुझाने कहां आते हैं, दो वाटर होल का नाम दिया कि वहां चिड़ियां आती हैं, वहां गाय आते हैं, कुल मिला के वाटर होल पर आते हैं. अब जो है सैंड ग्राउस इज अ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, पीछे जहां चिड़ियाओं का नाम दिया था वहीं एक नाम था सैंड, ये जो नाम लिखा है इस समय सैंड ग्राउस, ये एक प्रकार की चिड़ियाओं का नाम है, तो पीछे पैराग्राफ में दिया है. तो ये थे 20 सवाल, चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 20 में से कितने ठीक हुए. जितने भी बच्चों के 20 सवाल ठीक हुए उन्हें चॉकलेट्स भिजवाई जाएंगी. हाँ, लगता है क्या हकीकत में भेजेंगे? चलो पहले बताओ तो 20 किसके ठीक हुए, तब देखते हैं. लिहाजा ये एक्स ग्रुप का मॉडल पेपर था, 12 तारीख तक डेली मॉडल पेपर आप लोगों को मिलेंगे. जय हिंद. गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज अपन लेकर के आए हैं मॉडल पेपर सेकंड, राइट है, किसके लिए? एयरफोर्स के लिए. तो हम लोग देखते हैं एयरफोर्स के सेकंड मॉडल पेपर्स को, राइट है बच्चों. और आपको पता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस होगा आपके एग्जाम पे, राइट है बच्चों. तो आप सभी का बच्चों मेजर कल्सी क्लासेस में पुनः स्वागत है. और हम लोग आते हैं बेस्ट 25 क्वेश्चन, जिसकी संभावना है कि या इस टाइप के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में पूछे जा सकते हैं, राइट है बच्चों. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? यदि एन ए बराबर 21, एन बी बराबर 17 और एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 12 हो तो एन ए माइनस बी ज्ञात कीजिए. चलते बच्चों देखते हैं, यहाँ से देखिएगा आपको क्या दे रखा है. आप बोलोगे सर एन ए बराबर 21 दे रखा है, राइट है. एन बी बराबर कितना दे रखा है, फटाफट बोलिएगा, 17. और आपको दे रखा है बच्चों एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है, 12 यानी 12. आपसे पूछा गया एन ए माइनस बी, और आपको पता है बच्चों क्या फॉर्मूला, एन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ओके, चलिए सबकी वैल्यू फटाफट पुट करें और आंसर पाएंगे अपन एन ए. एन ए कितना है, 21. एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर अपन एन ए इंटरसेक्शन की बात करें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं. तो इन दोनों से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा कितना, 21. क्यों, 12 प्लस 9 21, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट, फटाफट 9, यानी सी बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड है बच्चों. क्या दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन की कितनी बेहतरीन खूबसूरती है. क्या देखिए इस क्वेश्चन की खूबसूरती है, 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6, राइट है बच्चों. इसमें देखो अपने को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करना है. ये 5 ओमेगा को अपन लिख देते बच्चों क्या, 3 ओमेगा प्लस क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस देखिएगा 3 ओमेगा स्क्वायर अपन लिख लेते हैं. यहाँ पे देखिएगा क्या, 3 ओमेगा स्क्वायर. अपन ने 5 ओमेगा को लिखा है, 3 ओमेगा क्या बचा हुआ है, आप बोलोगे सर 2 ओमेगा होल पावर 6. अपन ने कुछ नहीं किया बच्चों, 3 को 3 लिखा, 5 ओमेगा को 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा लिख दिया और 3 ओमेगा स्क्वायर. ये जो तीनों टर्म दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं. जैसे ही देखिएगा यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा बच्चों 1 प्लस कितना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर.
राइट है, प्लस कितना 2 ओमेगा होल पावर 6। आप बोलोगे सर हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस 2 ओमेगा, यानी फाइनली आ जाएगा बच्चों 2 ओमेगा पावर 6, 2 ओमेगा पावर 6 इट मींस 2 पावर 6 ओमेगा पावर 6। ये देखिए 3 का फैक्टर है, यानी ये 1 हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 पावर 6, 2 पावर 6 दैट इज 64। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? आपका हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट डाउन करो बच्चों फटाफट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के मूलों में एक का अंतर है, राइट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको क्या दे रखा है बच्चों? आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू जीरो, इनका मूलों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन रूट्स, इट मीन्स हियर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, इनका जो डिफरेंस है 1 है। ओके, तो दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते बच्चों, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। क्यों? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 गिवन है, होल स्क्वायर को जब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बोलोगे सर इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 1। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, यानी ये क्या हो जाएगा पी, तो पी स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट मूलों का गुणनफल कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी अचर पद बटे ए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू क्या 1, राइट है बच्चों। तो पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो आपको माइनस से प्लस हो जाएगा 4q+1, तो यहाँ पे देखिएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4q+1, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला याद रखना है बच्चों वो ये फॉर्मूला होता है क्या, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपका एक बेहतरीन फॉर्मूला है और इसी का अपन ने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल्स टू 0 के मूलों के बीच हरात्मक माध्य। अगर आपको पता है हमारे पास बच्चों दो संख्याएं a और b है, इनके बीच एक हरात्मक माध्य h जो होता है वह होता है 2ab/a+b। ओके, लेकिन यहाँ पे मूलों के बीच हरात्मक माध्य की बात किया है तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2α/β/α+β। पक्का? चलिए रखते हैं। तो h इक्वल्स टू यानी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य 2α β, अल्फा इंटू बीटा, आप बोलोगे सर कॉन्स्टेंट टर्म अपान कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर सी अपान ए, यानी ये हो जाएगा 11 अपान ए की वैल्यू 1, तो 2 × 11। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस मीन्स यहाँ प्लस हो जाएगा बी बाई ए, यानी कितना हो जाएगा 10। सही है, 2 × 5 = 10, आप बोलोगे सर 11/5, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 11/5, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, एटलीस्ट 1 हेड। तो यहाँ पे देखिएगा कम से कम एक शीर्ष आने की जो प्रायिकता होगी बच्चों वह होगी 1 माइनस कोई भी शीर्ष नहीं आए। तो ई अगर शीर्ष आने की घटना है तो ई बार कोई भी शीर्ष आने की घटना नहीं होगी। तो यहाँ पे ई जो है बच्चों वह घटना है कम से कम एक शीर्ष आए, तो 1 माइनस पी ई बार, पी ई बार का मतलब क्या हुआ? कोई भी शीर्ष ना आए।
तो पहले सिक्के पर शीर्ष ना आए, यानी क्या आएगा, पुच्छ आएगा, यानी टेल आएगा। अगर हेड नहीं आएगा टेल आएगा, टेल की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता 1/2। दूसरे पर भी टेल आए और तीसरे पर भी टेल आए, यानी तीनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता 1/2, 1/2, 1/2। आप बोलोगे सर 1 - 1/8, 8 - 1, यानी 7/8। बात समझ में आ गई? तो ये देखिए हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 7/8, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों फटाफट। देखिएगा ये हमारा एक क्या दे रखा है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है के विस्तार में एक्स से स्वतंत्र पद, यानी विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं बच्चों। फॉर्मूला याद है ना, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। तो ये देखिए एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। चलिए यूज करते हैं, एन की वैल्यू कितना, आप बोलोगे सर 15, सी आर एक्स मतलब एक्स क्यूब है बच्चों, तो एक्स क्यूब पावर एन माइनस आर, यानी एन की वैल्यू 15 माइनस आर। वाई, वाई के प्लेस पे कितना, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर पावर क्या बच्चों, आर, राइट है। अब देखिएगा इसी को सॉल्व करना है, तो आप बोलोगे सर 15 सी आर, यहाँ एक्स पावर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 × 45 - 3R, राइट है बच्चों, इंटू माइनस वन पावर आर को सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक्स पावर माइनस टू आर बन जाएगा, क्यों, अगर किसी भी राशि को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, हर्फ से अंश में ले जाते हैं, तो घात का चिन्ह बदल जाता है, यानी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो आप बोलोगे सर ये 15 CR x के पावर, बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाता है, ये देखिएगा 45 - 3 - 2 - 5R इंटू माइनस वन पावर क्या, r, राइट है। अब ये x से इंडिपेंडेंट हो, यानी ये जीरो होगा, तो आप बोलोगे सर 45 - 5R इज इक्वल्स टू जीरो। जब यहाँ से r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा, 5 × 9 = 45, राइट है, यानी आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 9 आ गई है और ये 0 हो जाएगा, तो ये बनेगा बच्चों 15 C9, ये तो पावर 0 यानी 1, ये देखिएगा -1 पावर 9, और माइनस पावर ऑड नंबर, माइनस बाहर आ जाएगा, तो -15 C9, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप बोलोगे सर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू 2513 और आपसे इनवर्स निकालना है, इस आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना है, इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो इनवर्स होता है वह होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट 3 × 2 = 6 - 5 = 1 आ जाएगा। एड ज्वाइंट यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सीधे सीधे क्या करना होगा, अगर जब भी 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, दो क्रम का क्या हो, आव्यूह हो, तो इनके मुख्य विकर्ण के अवयवों को चेंज करो, मेन डायगोनल, यानी ये हो जाएगा 3, 2, बाकी को वहीं पे रहने दो, साइन चेंज कर दो, तो ये देखिएगा, और इनका जो मैग्नीट्यूड आया हुआ है वह क्या है, 1 है, तो एड ज्वाइंट ये आ गया, यानी अपान 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, आप बोलोगे सर सी ऑप्शन इज करेक्ट, देखिएगा, राइट है बच्चों। तो ये आसानी से आप इनवर्स निकाल सकते हो, क्यों, मैंने बोला 2×का जो एड ज्वाइंट होता है, मेन डायगोनल को इंटरचेंज, बाकी जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं उनके साइन को इंटरचेंज कर दीजिए, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कितना आया, 1, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मेजर कल्सी क्लासेस पब्लिकेशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास देखिएगा हर एक एग्जाम के, जो भी डिफेंस सेक्टर के एग्जाम होते हैं, सभी के यहाँ पे बेहतरीन बुक अवेलेबल है, और तो और साथ में ही आपके लिए 25% का डिस्काउंट है अभी के लिए, और फ्री डिलीवरी है, तो आप जल्द से जल्द इन बुक को सर आप लोग बाय कर सकते हो बच्चों। अगर इन बुकों को आप बाय करते हो, इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगी, राइट है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों डिटर्मिनेंट पे बेस्ड, तो यहाँ से क्या काम करें, सीधे आर आर वन चेंज इंटू
दिखेगा आर वन चेंज इंटू आर वन माइनस आर टू, आर वन चेंज इंटू आर वन माइनस आर टू, आर टू चेंज इंटू आर टू माइनस आर थ्री, यही अप्लाई कर दीजिएगा। तो आप बोलोगे सर आर वन चेंज इंटू आर वन माइनस आर टू, वन माइनस वन जीरो, ए माइनस बी, राइट है। आगे देखिएगा क्या आएगा बच्चों, यहां से देखो क्या कॉमन हो जाएगा, सी कॉमन। तो अगर हम लोग माइनस का सी कॉमन लेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, राइट है। तो ये क्या बन गया ए माइनस बी, यहां भी वही काम करना है, वन माइनस वन जीरो, बी माइनस सी। अगर इन दोनों से माइनस ए कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कितना, बी माइनस सी, राइट है। अब ये देखिएगा b माइनस सी यहाँ पे क्या है, वन c, और ये देखिएगा क्या हो जाएगा a। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन, सेकेंड रो से b माइनस सी कॉमन। अब देखिए बचा जो है उसको लिख दीजिए जीरो जीरो वन, यहाँ पे वन वन c, यहाँ पे क्या बचा माइनस सी माइनस a और ए बी। इसे अपन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम को लेकर के आप बोलोगे सर ए माइनस बी, बी माइनस सी। यहाँ पे जब फर्स्ट कॉलम को लेकर के सॉल्व करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव करो, क्या बचेगा आप बोलोगे सर माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस सी, यानी फाइनल आंसर आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी, और फिर क्या बच्चों सी माइनस ए। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन पर आधारित है, ये हमारे पास एफ और जी दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, गॉफ, क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, गॉफ, यानी इनपुट जी का होगा और आउटपुट, हाँ इनपुट एफ का होगा, आउटपुट किसका होगा, जी का होगा। चलो ध्यान देना, अगर हम एफ में इनपुट वन दिए आउटपुट फोर, और जो एफ का आउटपुट होगा वो जी का इनपुट बनेगा, यानी वन से फोर पे जाओगे तो फोर से कहाँ पे पहुंचा देगा एट, यानी वन से एट, देखिएगा वन से एट, फिर देखो टू से फाइव, फिर फाइव से सेवन, यानी टू टू सेवन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, देखो वन से एट, टू से सेवन और थ्री से नाइन, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसे आप डायरेक्टली कर सकते हो बच्चों, ये कंपोजिट फंक्शन पे है यानी संयुक्त फलन पर आधारित है। चलिए ये देखिएगा यहाँ एल हॉस्पिटल लगाओ चाहे सीरीज लगाओ सब वैलिड है, हम लोग यहाँ पे सीरीज से करते हैं। ई पावर एक्स का सीरीज होता है बच्चों वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, राइट है। यहाँ पे देखिएगा माइनस वन माइनस एक्स, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, वन से वन कैंसल आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल आउट, डिवाइड बाय क्या है आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, ओके। यहाँ से देखिएगा लिमिट क्या है बच्चों, आप बोलोगे सर एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ एक एक्स बचेगा, सब टर्म जीरो हो जाएंगे, वन अपॉन फैक्टोरियल टू आपका आएगा बोलोगे सर वन अपॉन टू। आप चाहो तो एल हॉस्पिटल लगा लोगे, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो देखो क्या केसेस बनेगा, लिमिट एक्स विल टेंड्स टू जीरो, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, वन का जीरो, एक्स का वन माइनस वन अपॉन कितना टू एक्स, यहाँ पे देखिएगा ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वन होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, तो ये आ जाएगा वन बाई टू। तो आप इससे भी कर सकते हो, राइट है बच्चों। चलिए अगला, ये आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन पर आधारित है, y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे y बराबर sec इनवर्स x को लिखते हैं बच्चों cos इनवर्स, इसको रिवर्स कर देंगे x बाई वाई को y बाई एक्स, यानी x माइनस वन अपॉन x प्लस वन, प्लस क्या है ये आप बोलोगे सर ये तो sin इनवर्स है x माइनस वन बटे x प्लस वन। अरे वाह क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, तो आप बोलोगे सर वाई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। जब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे बच्चों अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा जीरो, क्यों
कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वह जीरो होता है। राइट है बच्चों? चल अगला जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बेस्ड है। क्या है बच्चों? आप बोलोगे सर लॉग कॉस एक्स, इसको कुछ मान लीजिए बच्चों, यानी प्रतिस्थापन पे, सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो लॉग कॉस एक्स बेसी इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएशन करिए, वन अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का डी टी। राइट है बच्चों? ये देखिएगा माइनस टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी टी। आप बोलोगे सर यहाँ से टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। ओके, तो ये देखिए आपका जो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस डी टी अपान क्या टी। तो माइनस डी टी अपान टी, वन अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, यानी आप बोलोगे सर वन अपान टी क्या हो जाएगा? लॉग टी और प्लस क्या सी, यही होगा। यहां से देखिएगा बच्चों लॉग टी प्लस सी, यानी माइनस लॉग टी आपने किसे माना था? आप बोलोगे सर लॉग कॉस एक्स, यही था ना, और प्लस का क्या कांस्टेंट सी। तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी कौन सा ऑप्शन करेगा? फटाफट बोलिएगा माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है कॉस अपन कॉस प्लस साइन। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बने बच्चों, साइन बटे कॉस साइन या कॉस बटे साइन कॉस, तो आपको क्या करना है, सीधे आंसर लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय टू, कहानी खत्म। अपर लिमिट पाई बाई टू, माइनस लोअर लिमिट जीरो डिवाइडेड बाई टू। आप बोलोगे सर पाई बाई फोर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। चलिए बाकी क्वेश्चनों को भी ठोक दिया जाए। ये देखिएगा डिफरेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। तो क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है बच्चों? एक्स वाई। यहाँ वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं चल पृथककरण विधि द्वारा, जिसको वाई को इधर भेजिएगा तो वन अपान वाई डी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। दोनों साइड का क्या करिए? इंटीग्रेशन। आप बोलोगे सर ये लॉग वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू। अब अगर हम लोग इसको टी माने, किसको? यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टी। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स का डी एक्स, टी का क्या डी टी, सही है। यहाँ से हमें एक्स डी एक्स निकालना है, एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपान टू। चलिए एक्स डी एक्स के जगह पे लिख देते डी टी अपान टू, तो वन बाई टू बाहर डी टी अपान क्या टी। आपको पता है बच्चों वन अपान टी का लॉग टी, तो ये देखिए आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू वन अपान टू log t। अब ध्यान से सुनिएगा, जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो भी log में यूज करेंगे बच्चों, प्लस log c, log m प्लस log n, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये वन बाई टू पावर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा log रूट टी, ये पावर वन बाई टू और प्लस कितना log c, सही है। अब देखिए क्या करना है, आप बोलोगे सर इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते बच्चों अपन, देखिएगा log m प्लस log n, log m इंटू n, यानी आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log t, मतलब कितना रूट यानी x स्क्वायर प्लस वन। तो ये देखिए आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वन इंटू c, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n। तो ये देखिए एक साथ हो जाएगा log a इक्वल्स टू log b, तो a इक्वल्स टू b हो जाएगा, यानी y इक्वल्स टू c को पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वन। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही? b ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। याद रखना बच्चों, जब भी ऐसा केस मिले a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों, याद रखना ये होता है मैक्सिमम वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा जब भी फॉर्मेट मिले मिनिमम और ये मैक्सिमम, पूछा क्या गया मिनिमम, तो आप बता सकते हो क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करके जब बच्चों रूट लोगे 3 जा 9 4 जा 16 प्लस 9 25, आप बोलोगे सर ये 5 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 5, ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू, क्या पूछा गया मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 5। ओके चल अगला क्वेश्चन, sec theta प्लस tan theta इक्वल्स टू p दे रखा है, sec theta प्लस tan theta इक्वल्स टू p, याद रखना बच्चों अगर हमको sec theta माइनस tan theta लिखना हो तो इसका reciprocal होगा 1/p, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ये स्वाहा, यानी कैंसल आउट, tan theta तो tan theta is equals to p minus 1/p, right है, तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों 2 tan थीटा p स्क्वायर माइनस 1/p, अब आप खुद मेरे को बताओ यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर p स्क्वायर माइनस 1/2p is equals to tan थीटा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है बच्चों, याद रखिएगा p स्क्वायर माइनस 1/2p, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, ये देखिएगा आपको हो सकता है थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा क्या लिखा है, एक क्षैतिज समतल पर खड़े बराबर ऊंचाई के दो स्तंभों के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहां देखिए बराबर ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, ये कंसीडर कर लेते हैं, इनके जो बीच की दूरी है ये बोला है 40 मीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं ए बी है और ये सी डी स्तंभ है, अब बोला इनके मध्य कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ये मान लेते हैं D है और D से C की दूरी X मान लेते हैं, इन्होंने बोला है कि अगर इन दोनों के पीक पॉइंट को मिला दें, एक एंगल आपका कितना बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा बन रहा है 60 डिग्री, ये मान लेते हैं कितना है 60 डिग्री, अब हमको क्या करना है हाइट निकालना है, दोनों की हाइट सेम है तो इसे भी H और इसे भी क्या मान ले H मान ले, सही है, इस ट्रायंगल की बात करें बोलो tan 30 की वैल्यू डायरेक्ट करें 1/√3, परपेंडिकुलर एच अपान बेस ये वाला निकालोगे तो आपको पता ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिएगा बेस यानी 40 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा बच्चों 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू √3h, सही है ना, क्यों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इसका इधर। चलिए अगला वाला ले लो, tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी लंब h बटे आधार यानी बेस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यहाँ से हो जाएगा √3x, देखिएगा क्या बच्चों √3x इज इक्वल्स टू h, सही है, अब आपको क्या करना है इन दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करो, जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √3h, देखिएगा दोनों का राइट साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहां से देखिएगा 3x देखो लेफ्ट साइड को इक्वल कर दे अपन, सही है ना, 3x इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स, एक्स को इधर बुला लो तो आप बोलोगे सर 4x इज इक्वल्स टू 40, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों 10, x इक्वल्स टू 10, आपसे पूछा गया था h, तो यहाँ से देखिए x के प्लेस पे 10 रखोगे तो h इक्वल्स टू √3 इंटू 10, यानी यहाँ से देखिएगा आपको क्या मिल जाएगा h इक्वल्स टू 10 √3, अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर 10√3 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, देखिएगा सही है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कंसीडर कर लेते, देखिएगा देखिएगा पहला जो हमारा पॉइंट है बच्चों क्या दे रखा है 0,0, दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है आप बोलोगे सर ये है 0,2√3, सही है,
ये दो शीर्ष दे रखे हैं वायटेक्स। अगर ये ट्राइंगल बनाएगा या तो इधर बनेगा या तो फिर इधर बनेगा, राइट है। अगर इधर बनेगा डिस्टेंस टू सेम होगी, ये 2√3 है तो ये भी हो जाएगा 2√3, राइट है बच्चों। ये कितना डिग्री? 60 डिग्री, क्यों? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब आप क्या करो, यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अप्लाई कर दो। यहाँ से ये हो जाएगा, बोलोगे सर जो बेस है 2√3 cos 30 और ये जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है 2√3 sin 30, सही है बच्चों। इसको हल कर लेते हैं तो आप बोलोगे सर 2√3 cos 30 की वैल्यू √3/2 स्वाहा, √3 × √3 3 हो जाएगा। यहाँ बोलो 2√3 sin 30 1/2 2 gets कैंसल आउट, क्या आ गया? √3। यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों वो आ गए एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू √3। इसी का जस्ट मिरर इमेज प्रतिबिंब इधर होगा, सेकंड में एक्स निगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है। यानी आप बोलोगे सर ये +-3, √3 यही हमारा थर्ड वर्टेक्स होगा। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। वृत्त 2x² + 2y² = 3 पर बिंदु, ये मान लेते हैं बच्चों एक हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। इससे मान लो एक कोई बिंदु है, कितना है 5, 1, राइट है। अब इसका सेंटर 0, 0 है, आपको पता है। अब यहाँ से अगर हम लोग इस पे क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो आपको पता है ये एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ये मान लेते पॉइंट पी है, ये पॉइंट ओ है और ये टी है, तो हमें पी टी निकालना है। तो पी टी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, या आप कर सकते हो बच्चों पी और टी के बीच का जो डिस्टेंस होगा 5, 5 = 25, 5 × 25 + 1 = 26, यानी ये जो डिस्टेंस हो जाएगा √26 हो जाएगा। रेडियस की बात करें तो यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो आपको देखिए आ जाएगा बच्चों इक्वेशन x² + y² = 3/2, सही है। तो रेडियस √3/2 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रेडियस आ गया। आपको क्या करना है, ये हाइपोटेनस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया, बेस आप आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा करके पक्का। तो ये देखिएगा रेडियस हमें पता हो गया बच्चों, ये निकालना है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप आसानी से निकाल लोगे, कैलकुलेशन आपका काम है। क्यों? आपको पता है यहाँ पाइथागोरस लगाओगे, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर लंब और कर्ण दोनों पता है, आधार निकाल ले जाओगे और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपसे बोला गया ए बी सी तीन परस्पर लंबवत सदिश है जो परिणाम में बराबर है, यानी तीन लंबवत सदिश, तो ए का मापांक बराबर बी का मापांक बराबर सी का मॉडुलस यानी मापांक, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये किसके बराबर होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों a + b + c, याद रखिएगा। इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर निकाले तो ये होता है बच्चों a² + b² + c² + 2a·b, राइट है, + b·c + c·a, राइट है। अब देखिएगा ये तीनों परस्पर लंबवत है, मीन्स a·b₀, b·c₀, c·a₀, तीनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा 0 हो जाएगा। अब आपको क्या बचा, ये हमारा 0 हो गया बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये तीनों बराबर हैं, तो ये देखो a² लिख दीजिएगा, 3a² हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा a + b + c का मैग्नीट्यूड, ये देखिएगा √3a। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है क्या? जो दिखाई दे रहा है वही आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए सरल रेखा ये है और ये समतल है, इन दोनों के बीच की कोण निकालना है, तो आप बोलोगे सर sin θ = होता है a₁ a₂ + b₁ b₂ + c₁ c₂, अपान में क्या बच्चों याद है ना फॉर्मूला, a₁² + b₁² + c₁² इंटू अगले ब्रैकेट में a₂² + b₂² + c₂² यूज कर दो, a₁ b₁ c₁, a₂ b₂ c₂ की वैल्यू 0।
चलो देखो, क्योंकि z नहीं है तो आप बोलोगे सर साइन थीटा 2 गुणे 1 2 हो जाएगा, प्लस b1 b2 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, सही है। माइनस माइनस 2 गुणे 0 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 बटे। अब आपको पता है बच्चों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ जाएगा √9। क्या आ जाएगा? √9 इंटू, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2। ये देखिए √9 और ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 और 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 45 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो प्रसरण के फॉर्मूले से आप इसे निकाल सकते हो, बट इसे एक फॉर्मूले के रूप में याद करो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो प्रसरण होता है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये होता है n² - 1/12। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये देखिएगा, डार्टर शब्द के अक्षरों में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है कि जिसमें सभी स्वर एक साथ हो। चलो डार्टर को लिखो DAUGHTER, सही है। तो DAUGHTER कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा बच्चों 3 2 5 3 8, बोला है सभी स्वर एक साथ हो, All vowels together। जब सभी स्वर एक साथ होंगे, यहाँ स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे, गठरी विधि का प्रयोग करेंगे। आप बोलोगे सर ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कॉन्सोनेंट और एक गठरी 6 हो जाएगा। 6 को 6 जगह व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 6, गठरी खुलेगी तो ये भी आपस में बटेगी, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 720 गुणे 3 2 6, और ये जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 4320। अब कहो तो सॉल्व करके दिखा दें, 6 1 6 × 0 0, 6 2 कितना हो जाएगा 12, 6 7 42 1 43। ठीक है, तो कैलकुलेशन आपके लिए आसान होता है बच्चों, कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की समरूप दर से बढ़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको त्रिज्या दे रखा है, बढ़ने की दर कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि की दर क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है बच्चों πr² टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दो, तो आप बोलोगे सर dA/dt इज इक्वल्स टू πr² का 2r, r का डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष dr/dt। चलिए यहाँ से मिल जाएगा dA/dt इज इक्वल्स टू 2π, r की वैल्यू क्या दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 50 × dr/dt 6। तो ये देखिएगा आ जाएगा बच्चों 5 × 2 = 10 × 6 = 60, और यहाँ पे एक और 0 पाई, ये है हमारा cm² per second। क्यों? क्योंकि एरिया है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा सही दिखाई दे रहा है बच्चों? ये देखिएगा राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। ये देखिएगा x² = 4ay एवं y अक्ष सरल रेखा y = 2a द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बोलोगे सर ये देखिए ऊपर की तरफ खुला हुआ बन जाएगा x² = 4ay, सही है। ये देखिएगा y = 2a लाइन हो गया है। हमें देखिए ये एरिया निकालनी है, ये एरिया हमें निकालनी है, तो क्या करो y एक्सिस को लेकर के चलो इंटीग्रेशन करो 0 से 2a। अब यहाँ x की वैल्यू रखना है, क्यों? जिसकी लाठी उसी की भैंस, लाठी y की है तो भैंस भी y की ही होगी, यानी x की वैल्यू रखो यहाँ से x = हो जाएगा √4ay और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे dy, सही है बच्चों। ये देखिए 4 बाहर आकर के 2 हो जाएगा 2√a, और रूट वाई का जो इंटीग्रेशन होता है वह 2/3 y^3/2,
लिमिट लगा दीजिएगा 0 से 2a, सही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इधर 2√a, सही है। हाँ, 2 2 जा 4/3 लिखे अपन डायरेक्ट, अब देखिएगा 2 2 जा 4/3 √a, सही है। यहां पे देखो y के प्लेस पे 2a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है तो पावर क्या है 3/2। इसे देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4/3 √a इंटू, इसे लिख सकते हैं 2a × √2a, बात समझ में आ गई। तो जब आप इसे लिखोगे बच्चों तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8/3 √a × √a, यहां पे देखिए a × a a² तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा a² यानी 8√2/3 a² यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैलकुलेशन आप एक बार रीचेक जरूर किया करें। ओके बच्चों, तो हमने देखा 25 क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।